लेकिन सरपंचों को तो जाने का मौका ही नहीं मिला। लोग जानना चाहते हैं जो लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी उनको पूरी मिलेंगी। लोग के बाद बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। तो पीएम मोदी जी की जो रैली थी वो फाइनली 24 तारीख को जो है वो संपन्न हो चुकी है और आज जो है रविंद्र रैना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। बहुत से सवाल उनसे बनते थे पूछना, लेकिन जितने सवाल हमने पूछे, आइए वो आपको दिखाते हैं। वो काफ़ी बिजी नजर आए क्योंकि उनकी कोई मीटिंग थी ऊपर हॉल में, पर हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछने की। तो आइए देखते हैं उनका क्या जवाब था। जो है वो चुनाव आयोग ने करना है। नहीं नहीं, फिर भी वो तो भारत के संविधान की प्रक्रिया है। हम तैयार है, बीजेपी तैयार है। आपको क्या लगता है इलेक्शन का शंखनाद हो गया? मेरे को लगता है कि मई के पहले हफ्ते में हो जाएंगे, उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। कितने महीने लगेंगे? और उसके बाद चुनाव होंगे और उसके बाद बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। बीजेपी की सरकार कल प्रधानमंत्री की रैली में, सरकारी रैली थी। अगर ये सरकारी रैली थी तो सरकार के पास अगर इतना पैसा है, इतना फंड है, तो क्या कुछ फंड बचाकर जो एनएचएम एम्प्लॉयज जिनको बहाना मार के डाला जाता है कि फंड नहीं है। एक ऑपोजिशन का इल्जाम लग रहा है कि अगर ये सरकारी रैली तो सरकारी मुलाजिम वहां पर बुलाए गए थे भीड़ के लिए। मैंने साहब इस पे क्या कहेंगे कि सरकारी मुलाजिम भीड़ के लिए वहां पर? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी, जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी उनको पूरी मिलेंगी, लोग खुश रहेंगे। और बीजेपी के साथ पहाड़ी और गुजर, पहाड़ी और गुजर और बकरवाल, ये सब एक माँ के बेटे हैं। आपको क्या लगता है जो बीजेपी के साथ नहीं थे वो आएंगे बीजेपी में इस रैली के बाद? सब आएंगे, सब खुश हैं। 61,000 डेलीगेट। लेकिन सरपंचों को तो जाने का मौका ही नहीं मिला। जिनके लिए रैली थी ना, स्टेटहुड आंसर कर दीजिए। राणा जी स्टेटहुड, हाँ जी जी, जल्दी मिलेगी।